हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मटन करी। आज इसे हम कुकर में बनाएंगे और ये बहुत सिंपल तरीके से बनता है। ये रेसिपी अगर आप स्टूडेंट या बैचलर हो तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है और ये कम टाइम में बहुत टेस्टी मटन करी बनकर रेडी होगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मसाले रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ के जी मटन के लिए ये मसाला लिया है। दालचीनी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, आधी चम्मच काली मिर्च, अदरक, लहसुन का इसका हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। मसाले का पेस्ट रेडी, अब चलिए मटन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुकर को अच्छे से गर्म करें। मैंने यहाँ पे 3 लीटर का कुकर लिया है। कुकर को पूरी तरह अच्छे से गर्म होने दें। कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 10 से 12 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप सरसों के तेल की जगह पे कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जो आप रेगुलर घर पर यूज करते हो। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 सूखी लाल मिर्च डाल दें। मैंने 1 बड़ी इलायची मसाले के साथ पीसा है, 1 हम तेल में डालेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डाल दें। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड करें, अगर आपको कम चाहिए तो इसे आप कम कर सकते हैं। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम में लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम मटन डालेंगे। मटन को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिला लें और इसका फ्लेम आप मीडियम ही रखें। मटन अच्छी तरह से मिल चुका है, अब इसमें हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसे एक बार अच्छे से मिला लें। अब मटन को मीडियम फ्लेम में लगभग 5 मिनट तक फ्राई कर लें। पांच मिनट हो चुका है, मटन को एक बार अच्छे से मिला लें। इसे हम और 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मटन फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे। अब साथ में हम मसाला भी ऐड करेंगे ताकि टमाटर और मसाला हमारा साथ में पक जाए। अब इसमें मसाला डाल दें जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था। मसाले वाले जार में थोड़ा सा पानी डालकर मिला लें ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना हो। अब इसमें हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए और 1.5 चम्मच हल्दी। हल्दी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 चम्मच मटन मसाला डाल दें। मटन मसाला कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लें। अब मटन को हमें मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरह से गल चुका है, बट मसाले को हमें थोड़ी देर और फ्राई करना है। आप देख सकते हो मटन से तेल अलग होने लग गया है, मतलब
मसाला हमारा पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। मसाले को फ्राई होने में 10 मिनट लगता है मीडियम फ्लेम में। मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें 150 ml के लगभग पानी डाल दें और इसे एक बार अच्छे से मिला दें। मैंने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर यूज नहीं किया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची का पेस्ट बना लिया था। आप चाहे तो 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला का पाउडर मिला सकते हैं। अब इसमें 50 ml और पानी ऐड कर दें और थोड़ा सा नमक ऐड कर दें क्योंकि हमने पानी डाला है तो नमक कम हो सकता है। नमक डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला दें। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दें और इसका फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम में हमें इसे 3 फुल सीटी आने तक पकने देना है। और अगर बड़े बकरे का मीट हो तो आप इसे मीडियम फ्लेम में 4 से 5 सीटी लगा सकते हैं। तीन सीटी आ चुका है, अब इसका फ्लेम लो कर दे और लो फ्लेम में इसे 5 मिनट तक पकने दे। 5 मिनट हो चुका है, अब इसका फ्लेम बंद कर दे और कुकर का सारा प्रेशर निकलने दे। कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम अब चेक कर लेते हैं, मटन हमारा पूरी तरह से पकाया नहीं। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। इसे अच्छे से मिला ले। अब इसमें हरा धनिया डाल दे और इसे अच्छे से मिला दे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा लगे तो आप 200 ml की जगह पे 150 ml ही पानी यूज करें। अब हम मटन के पीस को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से पका या नहीं। आप देख सकते हो ये इजली कट रहा है, मतलब मटन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म राइस या पराठा रोटी के साथ सर्व करें, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। मिलती हूँ एक सिंपल यमी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।